जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं इन इंस्पाइट ऑफ क्या है एग्जैक्टली और किस तरीके से वर्क करता है। आपको बता दूं इन इंस्पाइट ऑफ जो है ये आपकी फ्रेजल प्रपोजिशन है और इसको हम कैसे यूज करते हैं वही आज के सेशन में देखेंगे। साथ ही इसके साथ साथ आज मैं आपको हैविंग का यूज भी बताने वाला हूं और ये वीडियो स्पेशली मैं स्टूडेंट्स की डिमांड पर बना रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं पिछले कुछ दिनों से मुझे बोल रहे थे कि सर आप हैविंग और इंस्पाइट ऑफ पर बेस्ट वीडियो बनाइए, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो स्पेशली आपके लिए मैंने बनाया। इसको बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरी गारंटी जो फैक्ट्स आज इसमें बताऊंगा वो आपने नहीं सुने होंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी स्टूडेंट्स, ये आपका स्पेशल यूजर्स पर बेस्ड 16th लेसन है। इस पर बेस्ड ऑलरेडी काफी सारे वीडियो में बना चुका हूं, वो अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हो या फिर आप यहां से आई बटन को प्रेस करके उन वीडियोस को देख सकते हैं या फिर आप हमारी जो प्लेलिस्ट है स्पेशल यूजर्स पर बेस्ड उसको विजिट कर सकते हैं। देखिए आज हम जो देखने वाले हैं वो सबसे पहले आपका इन इंस्पाइट ऑफ और दूसरा है हैविंग। तो सबसे पहले हम इन इंस्पाइट ऑफ को देख रहे हैं। तो इन इंस्पाइट ऑफ जो है भैया ये आपका एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होती है, राइट? तो आपको बता दूं कि फ्रेजल प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होती है जिसमें आगे भी प्रीपोजिशन लगी हो, पीछे भी प्रीपोजिशन लगी और बीच में आपको नाउन लगा मिले, राइट? उस प्रीपोजिशन को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो यहां पर इन स्पाइट ऑफ जो है वो आपकी फ्रेजल प्रीपोजिशन, और ये ऐसी नहीं, ऐसी बहुत सारी फ्रेजल प्रीपोजिशन है। जैसे आप बोलते हो इन फ्रंट ऑफ, ये भी आपकी फ्रेजल प्रीपोजिशन है। जब आप बोलते हैं इन ऑर्डर टू, ये भी आपकी फ्रेजल प्रीपोजिशन है। तो ऐसी काफी सारी होती है। तो इसमें इन स्पाइट ऑफ चूंकि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, दैट्स व्हाई आज मैं क्लियर करने वाला हूं कि कैसे आपको इस को यूज करना है। स्टूडेंट्स इसका मतलब निकलता है, सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझ ले। इसका मतलब होता है के बावजूद। अब के बावजूद कैसे हम बोलते हैं, जैसे मैंने कहा एक अच्छा लड़का होने के बावजूद भी वो पढ़ाई नहीं करता है, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी वो लोगों का इलाज नहीं करता है। तो देखिएगा एक अच्छा लड़का होने के बावजूद भी, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी, मतलब यहां पर बात आप किसकी कर रहे हो, पर्सन की, राइट? तो जब आपके सेंटेंसेस में पर्सन आता है तो पर्सन के साथ में आपको विशेष ध्यान देना है, बिंग लगाना है, राइट? क्या अप्लाई करना है आपको, बिंग। और इसके बाद दूसरा जो है आपको याद रखना है, पहला जो है पर्सन के साथ में आ गया, दूसरा जो है आपका थिंग के साथ में आएगा, वस्तुओं के साथ में। तो जब वस्तुओं के साथ में आए तो उसमें आपको याद रखना है आपको हैविंग लगाना है। और यदि यही आपका वर्ब के साथ में आ रहा है, मान लो कोई वर्ब आ गई है, एक्शन आ गई है, तो उस वर्ब के साथ में आपको आईएनजी लगाना है। मैं तीनों के एग्जांपल आपको बोलकर बताता हूं, फिर आपको लिखकर भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिंग के एग्जांपल्स को। मैंने कहा एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी वह लोगों का इलाज नहीं करता है, तो हम इसे इंग्लिश में जब बनाएंगे स्टूडेंट्स तो हम कहेंगे इन स्पाइट ऑफ बिंग अ गुड डॉक्टर ही doesn't treat people. Now you can see students clearly that ki is sentence ke andar in spite of being a good doctor, ek acha doctor hone ke bawajood bhi he doesn't treat people, wo logo ko ilaaj nahi karta hai. So being a good doctor, ek acha doctor hokar bhi aap aisa bol sakte ho, he doesn't treat people. So in spite of matlab kya hota hai, ke bawajood, ek acha doctor hone ke bawajood bhi, ek acha doctor hone ke bawajood bhi He doesn't treat people, वो लोगों का इलाज नहीं करता है। तो समझिएगा कंसेप्ट कितना प्यारा है। मैंने कहा छोटा बच्चा होने के बावजूद भी उसने ये काम किया, तो in spite of being a small child, he did this work. कितना इजी कंसेप्ट है, बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं, राइट? तो पर्सन के साथ में आपने क्या लगाया स्टूडेंट्स, उसके आगे बिंग। अब दूसरा मैं बताता हूं उसको चीजों के साथ में आपको हैविंग कैसे लगाना है। मैंने कहा पैसे होने के बावजूद भी खर्च नहीं करता है, तो पैसे होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति खर्च नहीं कर रहा है। देखिएगा इसको ब्लू पेन से लिख रहा हूं मैं, सॉरी, इसको इन स्पाइट ऑफ से स्टार्ट करेंगे हम। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, ध्यान दीजिएगा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही डजंट स्पेंड, ही डजंट स्पेंड इट, वो उसे खर्च नहीं करता है। या फिर आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स को, जरूरी कि इंस्पाइट ऑफ से स्टार्ट करें, आप ये भी बोल सकते हो कि ही डजंट स्पेंड मनी, ही डजंट स्पेंड मनी इन स्पाइट ऑफ हैविंग इट,
राइट right? वो पैसे खर्च नहीं करता है पैसे होने के बावजूद भी। अब सेंटेंस की शुरुआत यहां से भी कर सकते हैं, ऐसे देखो, ही डजंट ट्रीट पीपल, ही डजंट ट्रीट पीपल इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी वो लोगों का इलाज नहीं करता है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो वस्तुओं के साथ देखो हमने क्या लगाया, हैविंग, पर्सन के साथ क्या लगाया, बींग। अब अगर मान लो कोई वर्ब आ गई, वर्ब कैसे समझिएगा, जैसे मैंने कहा पढ़ाई करने के बावजूद भी वो फेल हो जाता है, तो पढ़ाई करने के बावजूद भी वो फेल हो गया भैया, तो क्या कहोगे आप, इन इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग, ओके वो फेल हो गया, ही फेल्ड। नाउ यू कैन सी इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग, ये स्टडिंग आपकी वर्ब है, इसमें आपने क्या लगाया स्टूडेंट्स, आईएनजी लगाया, तो वर्ब के साथ आपको क्या लगाना होता है, ING, कितना ज्यादा OMG, कितना ज्यादा easy है, being, having और ING वाला concept, person के साथ being लगा दो, चीजों के साथ having लगा दो, verb में ING लगा दो। अब मैं दो तीन चार सेंटेंस बैक टू बैक बोल रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है। मैंने कहा एक अच्छा लड़का होने के बावजूद भी उसने ऐसा काम किया, in spite of being a good boy, he did this walk। मेरा दोस्त होने के बावजूद भी उसने मेरी मदद नहीं की, इन स्पाइट ऑफ बींग माई फ्रेंड, इन स्पाइट ऑफ बींग माई फ्रेंड ही डिडंट हेल्प मी, उसने मेरी हेल्प नहीं की। और दूसरा जो है, दो पेन होने के बावजूद भी उसने मुझे एक पेन नहीं दिया, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग टू पेन्स ही डिडंट गिव मी अ पेन, राइट। दो पेन होने के बावजूद भी उसने मुझे एक पेन नहीं दिया, और लास्ट में एग्जाम देने के बावजूद भी वो फेल हो गया, इन स्पाइट ऑफ गिविंग एग्जाम ही फेल्ड। खाना खाने के बावजूद भी वो भूखा ही है, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड ही स्टिल हंग्री, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, सारे के सारे सेंटेंसेस को कितना इजी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये था आपका इन स्पाइट ऑफ, जो कि एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है। अब मैं आपको बताने वाला हूं हैविंग, तो हम लोग देखते हैं कि हैविंग एग्जैक्टली है क्या। तो हैविंग का उपयोग सबसे पहले तो आप समझे कि हैविंग जो है वो बना किससे है, हैविंग बना है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स हैड, थर्ड फॉर्म होती है इसकी हैड, और एक जो होता है जिसमें आईएनजी लगता है वो होता है हैविंग, और एक फॉर्म जो होती है वो हैज होती है। तो ये जो वर्ब है आपकी हैव, इस वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, इस तरीके से आपका वर्क करता है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा कि ये क्या नया सिस्टम है और ये किस तरीके से आपका वर्क करता है, कितना इजी तरीके से आपको समझा दो। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जब आपके पास कोई चीज होती है तो उसके लिए भी आप हैविंग बोलते हैं, कि जैसे मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, तो आई एम हैविंग अ पेन। अब आप कहेंगे सर आई एम हैविंग अ पेन की बजाय तो हम ये बोलते हैं कि आई हैव अ पेन, सही है भी, आप ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, दोनों सही है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी समस्या आपदा आपदा विपत्ति घटना ही नहीं है। तो ये हैविंग, ये रहा आपका पहला यूज आपका हैविंग का, राइट, दिस इज द फर्स्ट यूज। सेकंड हैविंग का यूज होता है आपके कुछ फ्रेजेस में, फ्रेजेस मतलब कि वाक्यांश, वाक्य के अंश, मतलब जब भी कोई काम आपने किया और काम को करने के तुरंत बाद आपने कोई नया काम कर लिया, तुरंत बाद कोई नया काम कर लिया, तो वहां पर हैविंग लिखकर आपको V3 लिखना होता है। जिसे मैंने कहा बॉक्स को खोलकर मैंने बंदूक निकाली, तो बॉक्स को खोला और तुरंत बाद बंदूक निकालूंगा, ऐसा तो नहीं कि बॉक्स को खोल लूंगा 20 से 25 मिनट का गैप लूंगा, इधर उधर घूम के आऊंगा फिर बंदूक निकालूंगा, मतलब तुरंत बाद जब कोई काम होता है तो वहां हैविंग लगाते हैं। वैसे तो हमारे पास इसके लिए और भी काफी सारे यूज है, बाय लगाते हैं हम कभी कभी, डायरेक्ट वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया था। तो हैविंग का यूज जब आप करेंगे तो एग्जांपल देख लीजिए कि मैंने बॉक्स को खोला, तो हैविंग opened the box, I took a gun. Okay, having opened a box, you can see students, this is the having जो students को दिक्कत देता है, having opened a box, having opened the box मतलब having opened the box मतलब box को खोलकर open करके I took a gun, मैंने gun निकाली। आपने कहा नाश्ता करके मैंने आराम किया, तो ये meaning किसका दे रहा है students, कर या करके का meaning देख रहा है, आप देख सकते हैं नाश्ता करके having taken rest, having taken breakfast, sorry चाय पीकर having taken tea, got it, उसकी मदद करके मुझे अच्छा लगा, I felt good having helped him, having helped him I felt good। तो जब भी कोई काम कर या करके के सेंस में आता है तो स्टूडेंट्स वहां पर आप having लगाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जब इसी का आप पेसिव बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पर पेसिव वॉइस में ये रूल एप्लीकेबल होता है कि हैविंग आता है, हैविंग के बाद में बीन लग जाता है, बीन के बाद V3 आता है और फिर आगे की कार्रवाई होती है। तो ये नया कि सेंटेंस क्या है, तो जैसे ये लिखा है हैविंग ओपन द बॉक्स, तो वो फिर इस तरीके से होता है हैविंग बीन ओपन द बॉक्स।
अब इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है वो भी समझ लीजिए। हैविंग ओपन द बॉक्स, बॉक्स का मतलब होता है बॉक्स को खोलकर, लेकिन यहां है हैविंग बीइंग ओपन द बॉक्स मतलब बॉक्स को खोला जाकर, बॉक्स को खोला जाकर, राइट, फाइल को वहां भेजी जाकर, राइट, फाइल को वहां भेजी जाकर, हैविंग बीन सेंट फाइल देयर, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, फाइल को वहां भेजा जाकर मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से जब आप इसका पेसी बनाते हैं तो आपको ये वाली सिचुएशन यूज करनी होती है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने हैविंग के आपको तीन यूजेस बताए स्टूडेंट्स। पहला बताया मैंने जो भी चीज आपके पास है उसके सेंस में, जैसे मेरे पास पैन है तो आई एम हैविंग पैन, उसके पास एक कार है तो शी इज हैविंग अ कार, राइट। दूसरा यूज मैंने आपको बताया करिया करके के सेंस में, और इसी का पेसिव जो है वो हमने हैविंग में देखा। ये करिया करके के सेंस में जो भी काम आपने किया उसके तुरंत बाद जब आप कोई काम करते हैं तो वहां पर हैविंग का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स ये थे दो यूजेस जो मैंने आज आपको बताया, पहला रहा आपका इन स्पाइट ऑफ और दूसरा रहा हैविंग। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प करी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।